हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। और फ्रेंड्स, आज ये देखिए शौर्य की तबीयत ठीक नहीं है। देखिए अभी भी सो रहा है और सुबह के जो है 9 बज चुके हैं। और ये देखिए ये सो रहा है। शौर्य शौर्य तबीयत ठीक नहीं है बेटा। इसको क्या है फ्रेंड्स, थोड़ा कोल्ड हो रखा है क्योंकि गांव से ये आया है ना। तो गांव में जो है, आप लोगों को पता है हमारा घर बिल्कुल खुला है, तो वहाँ पे जो है ये बच्चों के साथ ऐसे ही बिना स्वेटर पहने, बिना स्लीपर वगैरह पहने ऐसे ही जो है घूमा है। तो इसको जो है थोड़ी ठंड हो गई है। और यहाँ पर भी जो है मौसम थोड़ा ठंडा ही हो रहा है। जयपुर में हवाएं चल रही हैं। ये जो है, एक माँ को दो रूप अपने बनाने पड़ते हैं। बच्चे जैसे ही आवाज़ लगाता है तो उसके पास आना पड़ता है, घर का भी सारा काम देखना पड़ता है, पर मुझे तो जो है अकेले ही सारी जिम्मेदारियाँ निभानी है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको मैं कुछ खिला के दवाई दे देती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो मैं किचन में आ गई हूँ और आज मैं बनाऊँगी आलू गोभी के पराठे। और आलू गोभी के पराठे ही जो है मैंने हस्बैंड जी को लंच में दिए थे। ये वाला जो मसाला है ये आलू गोभी का है। इसमें मैंने जो है आलू बॉईल करके मैश कर लिए हैं और गोभी को जो है कद्दूकस कर लिया है, हरा धनिया डाल दिया है, उसमें हींग है, टेस्ट अकॉर्डिंग नमक मिर्च, अगर आप चाहें गार्लिक वगैरह खाते हैं, गार्लिक है, जिंजर है तो उसका थोड़ा सा पेस्ट डाल लीजिए, बहुत ही टेस्टी लगते हैं, मिक्स करके बनाइए। तो ये तो मेरे पास रेडी रखा है। और आटा जो है मैंने सुबह थोड़ा सा ही लगाया था, तो चलिए आटा लगा लेते हैं। देखिए कितना सा आटा बचा है, देखिए टंकी में आपको ये देखिए कितना सा आटा बचा है। ज़्यादा से ज़्यादा जो ये आटा है ना, दो दिन चलेगा। तो मुझे जो है ना, हाँ, क्योंकि मौसम भी खराब हो रहा है, पता नहीं कब बारिश दे, तो मुझे जो है गेहूँ साफ करने पड़ेंगे। मैं जो है जल्दी से आटा छान लेती हूँ। फ्रेंड्स, मैं और शौर्य ही जो है लंच करेंगे, तो हम लोगों के लिए ही जो है बनाना है सिर्फ। तो थोड़ा सा ही जो है मैं आटा लगाऊंगी। मौसम है तो आलू गोभी के पराठे भिगो लीजिए। और ये गोभी है ना, वही है हमारे खेतों वाली गोभी जो मैं लेके आई थी। मैंने आपको पूरी सब्जी तोड़ते हुए दिखाई थी पर घर ला के नहीं दिखाई थी। और वो सारी सब्जियां मुझे साफ भी करनी है। मटर है, उनको छील के रखना है, पालक को साफ करके रखना है। तो चलिए, नमक मैंने डाल लिया है और आटा लगाती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे। ऐसे आटा जो है ना मेरा लग चुका है। और जैसा आप सभी को बताया, मैं आटे को जो है थोड़ी देर के लिए रख देती हूँ। तो इसको जो है मैं ढककर साइड में रख देती हूँ और मैं ये देखिए क्या होता है। आप सभी इनको जानते हैं, ये है कीनू जो मुझे बहुत पसंद है। तो चलिए कीनू खाते हैं और फिर जो है मैं पराठे बनाऊंगी जरमा जरा। चलिए, फ्रेंड्स मुझे है ना फ्रूट्स हो गए, दो ही फ्रूट्स सबसे ज्यादा पसंद है। बताइए, ये आपको मैं बता चुकी हूँ कीनू मुझे बहुत पसंद है। साथ ही बताइए दूसरे फ्रूट्स, दूसरा फ्रूट्स कौन सा है जो मुझे पसंद है बताइए बताइए, जिसको ना छीलना पड़ता है, ना काटना पड़ता है और ना ही उसमें गुठली होती है। जल्दी से बताइएगा, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। और इस क्वेश्चन का जो आंसर है मैं आपको वीडियो के लास्ट में दूंगी जरूर। जब तक आप जो है कमेंट करके बताइए, ऐसा कौन सा फल है जो मुझे पसंद है, जो ना छीला जाता है और ना उसे काटा जाता है और ना ही उसमें जो है बीज होते हैं यानी गुठली होती है। तो जल्दी से बताइए। ऑरेंज है ना फ्रेंड्स, ऑरेंज क्या है खट्टी होती हैं। और कीनू होता है ना, उनका टेस्ट एकदम खट्टा मीठा सा बहुत प्यारा सा टेस्ट होता है कीनू का। तो मुझे जो है बहुत अच्छे लगते हैं कीनू, पर है ना कीनू जो है ना इसी मौसम में आते हैं, उसके अलावा जो है कीनू नहीं मिलते हैं। और मिलते हैं तो वो कोल्ड स्टोरेज वाले मिलते हैं जो कि मुझे अच्छे नहीं लगते।
तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोग भी मेरे साथ कीनू खाना चाहते हैं तो जरूर आइए, कीनू मेरे साथ खाइए। और मिलती हूँ मैं आपसे कीनू खाने के बाद। जाइएगा नहीं, अभी जो है ब्लॉग में बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं, पराठे बनाने हैं और साथ में जो है गेहूँ साफ करने हैं, बहुत सारा जो है काम बाकी है। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप करके ना देखिएगा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, आपकी प्रियंका आपको बोल रही है, प्लीज़ वीडियो को स्किप करके ना देखें। और वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है अभी तक तो कर दो ना, अगर तक कीनू खाते हो तब तक आप लाइक शेयर कर दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए इस तरह से। तो चलिए चलते हैं अपने काम पर। पराठे है ना जो बनाना, लेडीजों को तो बहुत टफ लगता ही है, साथ ही लेडीजों को लगता है, तो आपको ट्रिक बताती हूँ पराठा बनाने की। आप किसी भी चीज का पराठा बनाइए, आपका जो पराठा है बिल्कुल भी जो मसाला है बाहर नहीं निकलेगा। तो ये देखिए ऐसे है ना, एक लोई ले लीजिए इस तरह से, और इसको जो है मैंने आटे इस पे लगा लिया है, पलूथन जिसे बोलते हैं। अब इस तरह से इसको जो है इस तरह से कीजिए, देखिए हाथ से आपको दिखाती हूँ, देखिए इस तरह से कटोरी नुमा जैसे कचौरी बनाते हैं ना, कचौरी का लेयर ऊपर की, उस तरह से इसको देखिए आप बना लीजिए। और बीच की जो नीचे वाला हिस्सा है ये मोटा रखना है हमको, साइड साइड से इसको फैलाना है। तो ये देखिए ऐसे कटोरी जैसा ये बन जाएगा, और इसमें जो है आप भरावन भर दीजिए, खूब सारा अच्छे से भरिए। और ये देखिए मैंने जो है, देखिए कितना सारा भरा है, देखिए एकदम कचौरी की तरह इसे। और फिर जो है आपको गुजिया टाइप में बना लेने हैं, देखिए हाथ से मैंने ये दोनों पैर दबा दिए तो गुजिया जैसी बन गई है। अब इसको यहाँ रख के और इस तरह से ये देखिए इस तरह से मैंने जो ये दोनों पैर थे उनको मिला दिया है, और इसको इस तरह से करके मोदक की तरह और ऐसे दबा देना है, देखो। और फिर जो है इसको हाथ से आपको थोड़ा दबाना है, क्योंकि जब हमने इसमें मसाला भरा है ना तो थोड़ी एयर जो है इसके अंदर रह जाती है, उससे ही जो हमारे पराठे फटते हैं और मसाला जो है बाहर निकल जाता है। तो ये देखिए हाथ से मैंने इसे इतना बड़ा कर लिया है, और अब जो है हल्के हाथ से हम इसे बेलेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने जो है ना पूरा पराठा बेल लिया है ये देखिए, और कहीं भी इसके कॉर्नर देखिए आप, कहीं से भी जो है मसाला बिल्कुल भी नहीं निकला है, ये देखिए आप। तो इस ट्रिक को जो है आप जरूर अपनाइएगा। और इसी तरह से जो है मैं अपने पराठे बना लूंगी। तो फ्रेंड्स, पराठा मेरा सिक चुका है, और आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई मैम ये मास्क कहाँ से बीच में आ गया। तो अभी एक मेरा जो है पार्सल आया है, वो जो है मैं इसी वीडियो में या अगले वीडियो में जो है आपके साथ शेयर करूंगी कि क्या पार्सल आया है, मैंने क्या मंगाया है। और तो देखिए पराठा जो है ना हमारा अच्छे से क्रिस्पी क्रिस्पी, देखिए करारा करारा सिक चुका है। तो चलिए मेरे जो है पराठे बन चुके हैं, और बीच में है ना जो है मैं शौर्य को देख के आ गई थी, और अपने भी जो पराठे मैंने बना दिए, गैस को मैंने कर दिया है बंद, और ये एक पराठे का रह गया है। तो शौर्य के पापा अगर जल्दी आ जाएंगे और वो खाएंगे तो खा लेंगे, नहीं तो शौर्य को अगर दोबारा भूख लगेगी तो बना दूंगी। और ये मास्क जो है मैं निकाल देती हूँ। तो फ्रेंड्स, और ये पराठा मैं खाऊंगी या तो अचार के साथ है ना, और या फिर खाऊंगी दही के साथ। दही के साथ जो है ना मुझे पराठे सारे अच्छे लगते हैं। तो चलिए जो है लंच करती हूँ, फिर मिलती हूँ, बहुत सारा काम बाकी, तो प्लीज़ छोड़ने मत जाइएगा, क्योंकि आपके साथ बातें करते हुए मेरा कब काम हो जाता है मुझे पता ही नहीं चलता। तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहिएगा, मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। सो मैंने जो है पराठे खा लिए हैं दही के साथ, और जो है ना अब मैं आ गई हूँ पीछे वाले पोर्शन में। आप सभी जो है इसे जानते हैं, देखा है आपने, तो यहाँ पे जो है मैं करके अपने गेहूँ को साफ, तो काफ़ी देखिए गंदा हो रहा है, आपको दिखाती हूँ, देखिए कितना गंदा कर रखा है बंदरों ने, देखिए आप
ये देखिए फ्रेंड्स कितनी सारी गंदगी हो रखी है, तो इसे साफ़ करना होगा मुझे पहले, क्योंकि इतने दिन से जो है मैंने झाड़ू नहीं लगा पाई थी, क्योंकि थी ही नहीं यहाँ पर, तो उड़ उड़ कर जो है बहुत ज़्यादा जो है डस्ट आ गई है, और साथ ही जो है बंदरों ने भी काफ़ी गंदगी फैला रखी है यहाँ पर। तो ये देखिए बहुत सारा जो है डस्ट आ गई है, बहुत सारा कचरा कर रखा है बंदरों ने, और पता नहीं किसी का जो है मिरर भी लेके आ गए हैं, तो मिरर का जो है पीछे का प्लास्टिक वगैरह पड़ा हुआ है, बंदरों ने जो है लेटरिंग वगैरह भी कर रखी है, तो बहुत ज़्यादा जो है गंदगी हो रखी है, क्योंकि कहीं भी जाओ ना तो बहुत बुरा जो है घर का हाल हो जाता है, तो मन ही नहीं करता जाने का, और चले जाओ तो फिर आने का मन नहीं करता, क्योंकि घर जो है बहुत गंदा पाएगा ये पता रहता है। तो यहाँ देखिए मेरी जो है सफाई हो चुकी है, और मैं ले आई हूँ गेहूँ का कट्टा, और ये देखिए ये वाला कट्टा है जो आज मुझे पूरा साफ़ करना है, और यहाँ पर अब मैं बर्तन ले आती हूँ। तो ये जो है मेरे बर्तन है, ये टब है, इसमें गेहूँ को जो है मैं छान छान के रखती जाऊँगी बीन के, और ये मेरी दो चलनियाँ है, परात है, और ये मेरा सिंहासन है पट्टा, इस पर बैठ के जो है मैं गेहूँ को साफ़ करूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स अपना जो काम है उसे स्टार्ट करते हैं, पहले ही जो है काफ़ी टाइम लग गया है मुझे सुबह से काम करते करते। और ये देखिए फ्रेंड्स जो कट्टा है ना वो चूहों ने काट दिया था, मैं नहीं थी ना यहाँ पे, तो चूहों ने पीछे से जो है कट्टे को काट दिया है। और ये देखिए फ्रेंड्स ये क्या हो रखा है, गेहूं में तो जो है थोड़े से कीड़े लग गए हैं, ईलिया जिन्हें बोला जाता है वो लग गए हैं, तो ये अगर मैं इनको नहीं छानूंगी ना तो ये जो है बहुत ख़राब हो जाएंगे, और वैसे भी जो है मेरे यहाँ तो आटा ख़त्म है, तो मुझे करना ही है, तो और भी जो अगर गेहूँ होंगे तो उनको भी जो है मैं छान के रख दूँगी। तो चलिए इनको छानते हैं, और देखिए आप कितनी सारी जो है डस्ट हो रखी है। और ये देखिए फ्रेंड्स काफ़ी आप लोग बोलते हैं कि मैं पायल नहीं पहनती हूँ, देखिए मैंने पायल पहन रखी है। हाँ जो है मैं अब गेहूँ को साफ़ करें, और ये देखिए फ्रेंड्स कितनी सारी जो है डस्ट है गेहूँ में, और जबकि जो ये गेहूँ है ना धो के सुखाए हुए हैं मेरे, पहले ही मम्मी आई थी तब किए थे हमने, तो ये देखिए तब भी जो है कीड़ों की वजह से इनमें जो है कितने सारा जो है मतलब ये गेहूँ में आटा हो गया है, इन्होंने जो है ना नीचे नीचे के गेहूँ जो है ख़राब कर दिए होंगे सारे। और इस तरह से जो है मैं 3 से 4 छलनियों को छान के रख लूँगी, और फिर एक साथ जो है इन्हें परात से बीन लूँगी। तो यहाँ पर जो है मैं इनको बीन रही हूँ, और वैसे जो है इनमें इतना कचरा नहीं है, क्योंकि जब हम गेहूं को धो के सुखा लेते हैं ना तो इनमें इतनी गंदगी नहीं रहती है, पर फिर भी जो है थोड़ा बीनना ज़रूरी होता है, क्योंकि कई बार जो है ना कांच के टुकड़े और जैसे पत्थर या ईंटों के टुकड़े होते हैं ना वो इसमें आ जाते हैं, तो इस वजह से तो मैं जो है इनको साफ़ कर लूँगी। और फ्रेंड्स मैं तो जो है इसी तरह से करती हूँ, आजकल तो जो है लेडीज़ गेहूँ का काम करती ही नहीं है बिल्कुल, उनको तो बस घर पे जो है पैक आटा मंगाती हैं और उसी को ही जो है यूज़ लेती हैं, पर उसमें जो है काफ़ी जो है मैदा मिक्स रहती है आटे में, तो जो है हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। तो इसलिए प्लीज़ आप सभी से मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आप बाज़ार का आटा यूज़ करते हैं तो उसे ना करें, और बाज़ार में भी जो है जो शॉप होती है जिन पे आटा पीसा जाता है वहाँ पर जो है गेहूँ भी मिलते हैं, तो आप अपने सामने गेहूँ लेके और वहाँ से पिसवा के लेके आएँ, तो उसमें कम से कम आपको ये प्योरिटी तो रहेगी कि आप गेहूँ का ही आटा खा रहे हैं, मिक्स जो है नहीं खा रहे हैं, कोई भी मिलावट की चीज़ नहीं खा रहे हैं। और ये देखिए कितनी डस्ट हो गई मेरी साड़ी, देखिए कितनी जो है गंदी हो गई है, देखिए डस्ट से बहुत ज़्यादा। तो जल्दी से जो है मैं ये काम कर लूँगी, क्योंकि इसके बाद जो है मुझे नहाना पड़ेगा दोबारा से, क्योंकि पूरी जो डस्ट है ना वो मेरे पूरे शरीर पर लग जाएगी, तो इस वजह से। और फिर है ना उसके बाद है ना बिल्कुल चैन ही नहीं मिलता है फ्रेंड्स, क्योंकि खुजली होने लगती है डस्ट से पूरी बॉडी पे, तो इसलिए मुझे जो है नहाना भी पड़ेगा और कपड़े भी जो है धोने पड़ेंगे। देखिए मेरे कपड़े कितने ज़्यादा जो है गंदे हो जाएंगे। तो आप लोग बताइए कि आप लोग भी जो है क्या बाज़ार का आटा यूज़ करते हैं, आपके घर में जो लेडीज़ हैं वो बाज़ार का आटा प्रिपेयर करवाती हैं आपसे, या फिर जो है वो भी इसी तरह से जो है गेहूँ को पहले बीनती हैं और फिर जो है आटा पिसवाती हैं, क्योंकि हम लोग तो जो है शुरू से ऐसे ही देखते हैं मेरे मायके में और जो ससुराल है उसमें ऐसे ही करते हैं, पर कभी कभी जब कोई इमरजेंसी होती है बहुत ज़्यादा, या फिर जैसे मौसम बारिश वगैरह का होता है और गेहूं जो है
नहीं साफ़ हो पाते या नहीं धुले हुए हो पाते। तो कभी कभी जो है हम लोग भी ऐसे ही करते हैं, पर हम लोग आटा नहीं लेके आते, गेहूं लेते हैं थोड़े बहुत, और उसी को जो है 2 या 4 किलो पिसवा लेते हैं और फिर जो है अपने गेहूं को ले जाते हैं। तो इसी तरह से जो है हम लोग करते हैं, आटा जो है हम नहीं लेके आते हैं मिलावट का, और वो आटा पता नहीं अच्छा भी नहीं लगता हम लोगों को, क्योंकि हम लोग इसी आटे की जो है रोटी खाते हैं ना, तो हमें जो है बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि उसमें ऐसा लगता है जब आटे को लगाते हैं ना तो लगाने में ही ऐसा लगता है जैसे कि उसमें मैदा मिक्स हो, और ये देखिए फ्रेंड्स इसमें कांच का टुकड़ा है। तो इसलिए जो है ना मैं आपको बता रही थी गेहूं को पीनना बहुत ज़रूरी है, और आपको बताया कि कांच कितना जो है हानिकारक होता है अगर हमारे गले में चला जाए, हमारे पेट में चला जाए। तो इस वजह से जो है मैं गेहूं को जो है ज़रूर से बीनती हूँ। तो इस तरह से जो है मैं अपने सारे गेहूं को बीन लूँगी, और अभी तो देखिए कितनी सी जो है गेहूं मेरे बीने हैं, अभी तो काफ़ी सारे गेहूं जो है मुझे बीनने बाकी हैं। और अकेला आदमी होता है ना तो उसको थोड़ा दिक्कत आती है, दो जने होते हैं तो एक जो है छानता जाता है, दूसरा बीनता जाता है, बातें करते हुए पता ही नहीं चल पाता काम का। और यहाँ देखिए फ्रेंड्स मेरे जो गेहूँ है वो सारे साफ़ हो चुके हैं, और ये देखिए मेरे कपड़ों का क्या हाल हो गया है। तो चलिए मैं जो है यहाँ से इस डस्ट को थोड़ा साफ़ कर देती हूँ, और देखिए धूप है जो कितनी ज़्यादा हो गई है, यहाँ तक आ गई है देख लिए धूप फ्रेंड्स। और मौसम भी आज कुछ ऐसा हो रखा है, कभी धूप आ रही है कभी छांव हो रही है, और मुझे जो है गर्मी लग रही थी यहाँ। और मेरा जो है ये काम हो चुका है सारा, ये गेहूं को साफ़ करने का। तो अब जो है मैं इस कचरे को भी सारे को साफ़ करके यहाँ से और गेहूं को कट्टे में डाल के जो है रख दूंगी। बस मेरा काम हो चुका है, और आज का जो ब्लॉग है उसे मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ कि आपको आज का ये ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नहीं है चैनल को भी, तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सपोर्ट कीजिएगा, अपना प्यार और साथ दोनों मेरे साथ बनाए रखिएगा। फिर मिलूंगी आप लोगों से एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए।